मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अभी बिकाना। एंड डे स्टार्ट आपने देख ही लिया मेरा कैसा होता है। नॉर्मली मैं फुटेज दिखाता नहीं हूँ आपको, बट मेरा दिन स्टार्ट ऐसे ही होता है। थोड़ा छोटा मोटा घर का जो भी काम होता है वो करते रहते हैं। ये बाबू बाहर आ गया मेरा खटखट करते हुए। और अभी प्लान ये है कि नाश्ता क्या, अब तो मेरा खाना ही तैयार हो गया है, तो अभी सीधा खाना खा के जाएंगे, क्योंकि आज शायद आने में थोड़ी लेट हो जाए। और अभी थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ मैं, 10:30 बज गए हैं फील्ड के लिए, क्योंकि मम्मी को ले जाना है और मम्मी को छोड़ना है ननियाल। तो पहले वो काम करेंगे, उसके बाद मम्मी को छोड़ने के बाद में फील्ड पे फिर निकलेंगे काम के लिए। तो अभी करते हैं नाश्ता, खाना कुछ भी कह लो आप, लंच ब्रेकफास्ट दोनों मिक्स होकर के। मैं देख लूँगा जो खाना ले लूँगा मैं। लाडो नहीं, लाडो नहीं। तो हमारा खाना कह सकते हो, खाना हमारा तैयार है। हवेली चावल खाते हैं हम लोग। और हम हवेली चावल खाते हैं। तो मम्मी को छोड़ दिया है ननियाल और अब जाएंगे हम मार्केट में। उससे पहले मैं देखता हूँ, आया हूँ तो मैं मिल लेता हूँ, कि अगर बिना मिले। मामी जी है, छोटे मामी जी, और जय श्री कृष्णा। और ये हमारे मामा जी हैं, और ये है मिट्टू राजा। वैसे तो घर हमारा हरा भरा है, लेकिन अभी सब कान बंधे गए हुए हैं। हाँ, ये सबको हेलो बोल रहा है। तो मम्मी आज, अभी मम्मी का सीन ये रहेगा कि मम्मी को मार्केट भी जाना है, तो मम्मी दीदी का वेट कर रहे हैं। और फिर मम्मी शाम को ही घर पे आएंगे। क्यों मम्मी, शाम को जाओगे आप? तो मिट्टू का हो रहा लाड कोड। मिट्टू बोझी ना आवाज दे, बोझी मिट्टू 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 बाहर आ जा। और शायद दूसरा घर का डालेगा, उसको काट भी लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं आ गया हूँ मार्केट में मम्मी को छोड़ने के बाद में। और अभी मैं धूप में खड़ा होकर के ये इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ बहुत, ये जो आप देख रहे हो ये है बिकाजी का आउटलेट, और ये है रानी बाज़ार के अंदर में। तो बीइंग ए सेल्समैन हमारा काम रहता है कि हम विजिट्स करनी होती है जितने भी एंटरप्राइज़ जो कमर्शियल सेगमेंट है वहाँ पर, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें मेरे को देखनी होती है। तो अभी मैं गया था इस आउटलेट पे बीकाजी के, और यहाँ पर हमें एक सर मिले थे। उनका नाम तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, बट उनका बिहेवियर मतलब इतना ज़्यादा बेकार बिहेवियर था। तो आप ना कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा हो, मैं तो कह रहा हूँ आपके पास में अगर कोई भी बंदा आ रहा है ना, तो उसको एटलीस्ट आप बिजनेस दो ना दो, उसको कम से कम ट्रीट तो ढंग से किया करो यार। मान सकते हैं आप बहुत बिजी हैं, आपके पास में बात करने को भी टाइम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप जितनी भी बात कर रहे हैं ढंग से कर सकते हैं। तो हम खड़े थे मार्केट में, और मार्केट में आ गया हमारा भाई इमरान, और इमरान से मैं मिला हूँ करीब 4 या 5 साल बाद में। तो अब देखिए कि ना मार्केट के बंदों का ये है कि आपको कहीं पर कोई भी टकर सकता है। और इमरान और हमें साथ में काम करते थे वोडाफोन के अंदर में, और अभी मैं खड़ा था, कुछ काम ही कर रहा था खड़ा खड़ा यहाँ पे। भाई मिला, बड़ा अच्छा लगा भाई से मिल करके। वैसे इसको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है भाई, मोबाइल निकाल करके। ऐसा फील हो रहा है तेरे को कि अचानक मोबाइल निकाल लिया, रिकॉर्डिंग कर रहा है, करना क्या चाह रहा है? मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अपनी विजिट तो हो गई कंप्लीट आज की। एंड फिर मिला था मैं राहुल से। हेलो राहुल, आपको दिखता रहेगा मेरे साथ में क्योंकि हम कलीग हैं, साथ में काम करते हैं। तो राहुल ने कॉल किया था मेरे को, कुछ काम था हमें। अब हम आए विजिट पर हैं और महाराज के पास कॉल आ गया कोरियर के बंदे का। कोरियर वाला इसका कोई सामान लेकर आया, घर पे इसको कोई भी नहीं इसके अलावा अभी। तो आप वापस हमें 3-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा फिर से। तो जाते हैं कोरियर वाले के पास, वो देखते हैं भाई ने क्या मंगवाया है, चेक करते। तो ये आ गए हैं राहुल के घर पे और ये भैया कर रहे हैं वेट राहुल का, काफ़ी देर से शायद वेट कर रहे हैं। खुले हैं क्या? चेंज है? कितनी देर होगी भैया? 5 मिनट हुए क्या? 5 मिनट के अंदर हम आ गए हैं। देखो भाई ने क्या मंगवाया देखते हैं। तो ये मंगवाए हैं जूते भाई राहुल ने, पता नहीं कैसे हैं ये, पता नहीं कैसे हैं ये, देखेंगे। बढ़िया है, मात्र 600 रुपये में आए, मात्र 600 रुपये में 600 के आए हैं, जो कि 6 महीने चलेंगे, 100 रुपये पर मंथ का पड़ता है। अभी तक चल रही है हमारी फील्ड विजिट। और किसी को लगता है ना कि अगर फील्ड का काम आसान है, दिमाग से निकाल देना। क्यों राहुल भाई? यस, फील्ड का काम बहुत मुश्किल है। कैसा लग रहा है ऐसे घूम करके? और अभी हालत ये है कि अभी फरवरी चल रही है और हमें मतलब मैं सिर्फ जैकेट पहन के आया था टी शर्ट के ऊपर में, और गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो रही है कि ये तिल मिलाती धूप। और अब सोचो कि जो गर्मी के जो मई जून जुलाई का महीने होते हैं उसमें तो क्या ही हालत होने वाली है आपकी। फील्ड का काम बहुत मुश्किल है। फील्ड में घूमते घूमते हमें मिल गया हमारा छोटा भाई शुभम। जय श्री मेरुणा, जय गर्गना, जय गर्गना। तो ये मजे हैं देखो फील्ड में घूमने के। पहले आपको दिखाया था एक भाई मिला था, फिर ये राहुल मिल गया, अब ये भाई मिल गया। तो बस हमारा ऐसे ही काम है, हम काम भी कर रहे हैं, हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ऐसे चलता रहता है। तो अब बज गए हैं शाम के 5:30 और अपना सीन ये है अभी तक घर नहीं गए हैं, कंटिन्यू विजिट चल रही है। तो अभी देख रहे हैं, जैसे कि मैं था अभी फिर से मारुति शोरूम पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया था। जब पहली बार आया था तब एक बार में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए नहीं थे, तो फिर से विजिट करनी पड़ गई। तो अभी एक विजिट और करनी है, उसके बाद घर। तो आज घर जाते जाते बच जाएंगे शाम के 7, तो आराम से बच जाएंगे, फिर देखते हैं। तो अब सीन ये है कि वहाँ से निकला मैं और रेनॉल्ट का शोरूम जो है वो एकदम रास्ते में। और रेनॉल्ट के शोरूम में जब भी आता हूँ ना मेरी टाइमिंग रहती है। ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ, पेटीज़। थैंक यू विजय भाई। तो विजय भाई ने पेटीज़ मंगाई थी सब अपने लिए। तो ये दोनों मेरी सिस्टर है और दोनों तारीख है, कोमल और निक्की। और ये यहाँ के मैनेजर साहब है दीपक जी। अभी कुछ बोलेंगे नहीं ऐसे, तो इसकी जुबान बहुत चलती है, लर लर करता रहता है ये। अब चुप रहेगा ये, बोल। इसको पिछली वीडियो में देखा था, इसने बोला था कि मेरा वीडियो बनाओगे तो आपका मोबाइल तोड़ दूंगा। देखा था क्या वो वीडियो निक्की? सच्ची में डाला हुआ है, मैं दिखा दूंगा अभिषेक भैया, मैंने तो देखा था। देख मेरे को, मैंने मेरे वीडियो देखेगा ना, करको तू देखता नहीं अलग बात है। नहीं देखता हूं, लेकिन ये वाला वीडियो मिस रह गया। उसमें सारी चीजें रियल दिखेगी तेरे को, जैसे अभी हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो डाल देता हूं मैं, ये सब कुछ डालता हूं मैं। घर वाले चमकते हैं मेरे को देख देख करके। सो गाइस मैं आ गया हूँ वापस ननिहाल मम्मी को लेने के लिए, और मैं शूट क्यों कर रहा हूँ उसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा। हेलो गाइस, ये है योहानी, वो है कुन्नू, और वो है योहानी की मम्मी। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये है रोमा, मेरी प्यारी सी बहना। कहाँ से आई है ये? प्यारी सी बहना। सच्ची में फोन चालू है, बोला क्यों? नहीं, मैं हमारा मैक्सिमम वही रहता है। पटियाला से हेलो कर दे, हेलो कुनू कर देगा। हेलो करता तू, करता हेलो करता तू, ऐसे करता हेलो कैसे करता है बच्चे? हेलो ये है हमारी लकी, काजोल है, काजोल कर। हेलो करते, हेलो मम्मा है ना। हेलो करते कुनू, हेलो करते तू नहीं करता। मिट्टू ने भी हेलो किया था, तू नहीं कर रहा। आज तो मिट्टू ने भी हेलो किया था। तो आज देखिए, मतलब सुबह मैंने जो बात की थी आपसे कि अच्छी खासी चहल पहल रहती है, लेकिन सुबह मात्र 2 लोग थे, मामा जी मामी जी। ये देखिए 2 बच्चियाँ और एक और प्यारी सी लाडली सी बहन है मेरी, खुशबू, जो शायद ये व्लॉग देख रही है। तो खुशबू तेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं तेरे से कब मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्णा कर दे, राम राम कर दे, हेलो कर दे, हाय कर दे, कुछ तो कर दे। जय श्री कृष्णा। हेलो, कितनी प्यारी बच्ची है देख। हेलो जय श्री कृष्णा सब करती है, ऐसा बोलते हैं हेलो गाइस। अरे वाह, वो बिट्टू भी बोल रहा है हेलो गाइस। ये कुंजू तो भी बोल रहा है हेलो गाइस। छोटी बहन है। तो घर पे आ गया हूँ और आने के साथ में जूते खोलते ही बैठ गया हूँ काम पे। बहुत काम है, पूरे दिन की एडिटिंग करनी है। अब आपको एक सीन दिखा दो, तगड़ा वाला। देखो ये वाला है लैपटॉप मेरे ऑफिस का, और ये है मेरा पर्सनल। दोनों खोल के बैठा हूँ, पैरेलली दोनों पे काम कर रहा हूँ। देखते हैं आज रात के कितने बजेंगे। तो अब स्नेहा ने कॉफ़ी बना के भेजी है। अभी मेरे को जितना लगा था उतना लेट हुआ नहीं है, ये बजे 11:15। एंड काम ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रहा है बस। मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का काम हो रहा है। तो हार्डली 12:15 तक मैं फ्री हो जाऊंगा। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। बीकानेर वालों को तो, उनके लिए तो कॉमन है। आज अगर ये जो वीडियो देख रहे हो ना, तो सुबह मैंने कहा था कि अच्छी वाली गर्मी बढ़ रही है, और अभी ठीक है घर में हूँ तो मैं टी शर्ट में हूँ। बाकी आपको बाहर का मैं एक मस्त नज़ारा दिखाता हूँ। देखो अब आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं, आप लाइट में देखिए। ये सामने इधर देखिए, मस्त बारिश हो रही है और अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा सा। मेरे को रात के टाइम में ना बारिश को सुनना या देखना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। थैंक यू गाड़ी, जिसकी भी है, अच्छा नज़ारा देने के लिए। क्या लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। कहानी के दमदार एंड के साथ में मैं अपना ऐड भी जोड़ देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं थी उसके बाद में, बट फॉर्मेट हो तो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो पे कल आपसे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय, सी यू।